बाड़मेर जिले में महिला संगठन द्वारा चलाया जा रहा महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के दौरान आत्महत्या रोकथाम अभियान को लेकर रविवार को मेवाणियों की ढाणी में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को मुश्किल वक्त में किस तरह से अवसाद से बाहर निकाला जाए इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और लोगों को अवसादग्रस्त व्यक्तियों से बातचीत कर उनके मन की शंकाओं का समाधान कर आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के इस कार्य का हिस्सा बनने की अपील की। बाड़मेर जिले में महिला संगठन द्वारा चलाए जा रहे महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के दौरान आत्महत्या रोकथाम अभियान को लेकर रविवार को मेवाणियों की ढाणी में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को मुश्किल वक्त में किस तरह से अवसाद से बाहर निकाला जाए इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनिता सोनी ने कहा कि बाड़मेर जिला जो इतना शांत होता था, जहां महिलाओं के साथ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण आत्महत्याएं बनी हुई हैं। बाड़मेर जिले में लगातार आत्महत्या की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस व प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। जबकि अब तक तो इतने मामले सामने आने के बाद आत्महत्याओं के कारणों को लेकर ना ही कोई स्टडी हुई है और ना ही इस पर कोई रिसर्च की गई है। सोनी ने कहा कि मुश्किल वक्त में महिलाओं को अवसाद में नहीं जाना चाहिए, अवसाद से बाहर निकलने के लिए महिला संगठनों से मदद लेनी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आजादी, शोषण से मांगे आजादी, भेदभाव से मांगे आजादी, भेदभाव से मांगे आजादी, बड़ी बहना मांगे आजादी। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में महिलाओं द्वारा आत्महत्या के मामलों में साल दर साल लगातार इजाफा हो रहा है। इसको रोकने के लिए लगातार सामाजिक संगठन जन जागरूकता के कार्यों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजित किए जा रहे हैं।